है जिंदगी में हंसकर दिखाना है, और जिसने नहीं देखा फन ट्यूब व्लॉग्स उसको भी दिखाना है। मेरा नाम है राज। मेरा नाम है वैभव। तो यार टाइम हो रहा है अभी 12:19, तो बहुत लेट हो गए। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे मेरी नाइट शिफ्ट होती है, तो उतना टाइम अभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है स्पेयर करना, पर मैं बिल्कुल पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि जितना हो सके मैं ब्लॉग को शूट करूँ जल्दी से जल्दी, और जल्दी से जल्दी मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश तो यही रख रहा हूँ कि जितना हो सके मैं उतना ब्लॉग शूट कर पाऊँ। पर अभी मैं माफ़ी चाहूँगा, पर रोज़ डेली ब्लॉग मैं डालूँगा, ये बिल्कुल पक्का है। जो प्रॉमिस किया उसको मैं बिल्कुल निभाऊँगा। तो अभी मैं वैसे बस उठाई हूँ, सोकर 12:19 हो रहा है और मैं अभी सोकर उठा हूँ, क्योंकि मेरी भी शिफ्ट होती है वो मॉर्निंग में मतलब ख़त्म होती है लगभग 7:30 to 4:30। तो 5 बजे तक मैं सोता हूँ, 11-12 बजे तक मैं उठ पाता हूँ। तो अभी मैं समोसे खा रहा था, बस अभी पापा समोसे लेकर आए थे। गाइज ये मेरा भाई है, आज इसका एग्ज़ाम था, इसके बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, 10th class में है ये। ख़त्म हो गया अभी, ख़त्म हो गए। हाँ आज लास्ट एग्ज़ाम था, पर मैंने तो सुना 24 तारीख को है। 24 ही है क्यों? भूल गया था। तो क्या था गया पेपर फिर? अच्छा गया। कौन सा एग्ज़ाम था? IT का था। तो बताओ सब लोगों को कैसा गया एग्ज़ाम? अच्छा गया, मतलब सब कुछ मस्त है एकदम। सारे एक खराब हुआ था साइंस का, एक खराब हुआ है, बाकी सारे अच्छे गए। ठीक है, और आज के एग्जाम से रिलेटेड कुछ शेयर करना चाहोगे? MCQs टाइप था तो कर दिया था। अच्छा MCQ पूरा MCQ था? हाँ 25 मार्क्स। चलो बस पूरा MCQ था तो 25 मार्क का तो बोल रहा है कि कर दिया था, अब देखते हैं तो रिजल्ट में पता लगेगा। तो भाई मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, आज इसके मेरे भाई के पेपर खत्म हुए और देखो आज से ही गेम इसका चालू हो गया। तो चलो मेरे साथ, मैं आपको आप देख सकते हो गर्वन क्या कर रहा है, यहाँ पर इसका गेम चालू है, पबजी खेल रहा है। तो मतलब इसको जब इसके पेपर चल रहे थे तो हम लोग इसको इतना खेलने नहीं देते थे, इसको बोलते थे कि अभी पढ़ ले, अभी बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, तो ये है ऐसा है। तो उस टाइम पर तो इतना खेल नहीं पाता था, पर अभी जब इसके पेपर खत्म हुए हैं तो बस लगा हुआ है पबजी में। फुल ऑन चिकन डिनर चाहिए इसको, हर गेम में चिकन डिनर चाहिए। चिकन डिनर आ रहा है पूरा एकदम। अभी कितने आ गए चिकन डिनर बताओ, सबको बताओ। अभी पहला आया है, आएगा और आएगा। तो चलो हम चलते हैं बाहर। तो गाइज मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ, आपको मैं सच बताता हूँ कि इतना आप लोग प्यार दे रहे हैं ना मुझे, मतलब मैंने अपनी अभी ये मेरी 2nd वीडियो ही है, इससे पहले मैंने जो अपनी वीडियो डाली थी वो इंट्रोडक्शन की वीडियो थी, और वो उस इंट्रोडक्शन की वीडियो में कुछ ऐसा खास नहीं था, मतलब जस्ट हम मैं और मेरा भाई एक जगह बैठे हुए थे, हम लोगों ने बताया था हम कौन हैं, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, हम YouTube पर क्यों आए हैं, और आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, मतलब इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो आप लोग कि मैं क्या बताऊँ, उसके लिए थैंक यू दिल से और थैंक यू वेरी मच। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस तरीके से आप अभी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, आगे भी मैं आपसे ऐसे ही सपोर्ट चाहूँगा, और मैं
मतलब इतना ज़्यादा खुश हूँ, मुझे इतना ज़्यादा मतलब मैं अपने आप को मोटिवेट फील कर रहा हूँ अंदर से, क्योंकि होता क्या है ना, मतलब किसी काम को कभी करा नहीं होता, पर जब सपोर्ट मिलता है मतलब लोगों से कि हाँ लोग अप्रिशिएट करते हैं उस काम को और आपका काम लोगों को अच्छा लगता है, तो अच्छा लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ चलो कंटिन्यू करना चाहिए और बेहतर बनाना चाहिए सब कुछ। तो ये वैसे मेरा गार्डन है, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, अभी तो मैं कवर नहीं करूंगा, काफ़ी मतलब छोटा सा टेरेस गार्डन मैंने बना रखा है, पूरे टेरेस गार्डन को मैं कवर करूंगा और बहुत शानदार मतलब तरीके से हमने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। तो चलो अभी इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। अरे गाइस तो आप लोग आ गए, पानी पी रहा था, बस एक मिनट बस पानी पी के आपसे बात करता हूँ। तो अभी हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर एक तो दानेदार शिकंजी एक बनाता है हमारे मोहल्ले में तो नहीं, थोड़ा सा दूर है, मतलब इतना ही ज़्यादा शानदार प्रोडक्ट है, मतलब गर्मी में तो एकदम सर्वाइवर मानो आप उसको। अभी हम चल रहे हैं, हम भी पिएंगे, आपको भी दिखाएंगे कैसा है, क्या है, कैसा होता है, बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब अभी चलते हैं। फिर बस गाड़ी रखी है गैरेज में, पहले गाड़ी लेके फिर हम चलते हैं। तो आओ आप मेरे को और हेलमेट इसलिए नहीं लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा दूर में जा नहीं रहा हूँ, तो ये मान लो आपके मोहल्ले तक नहीं जा रहा हूँ। तो गाइस यहाँ से आप लोग देखेंगे अब टाइम सीधा भैया, दो ग्लास बना दो, अभी ये बनाएंगे और हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे शिकंजी आ चुकी है भाई, यहाँ पे शिकंजी चालू है। इसमें गाय होता क्या है ना कि दाने होते हैं ठीक है बर्फ के, और मेन ये मतलब इसमें नींबू होता है ठीक है, तो गर्मी में इतना सही काम करता है, जानते ही हैं आप, जो लेमन होता है वो तो विटामिन सी का सोर्स है, तो इससे बेहतर चीज़ गर्मी में क्या हो सकती है, कुछ नहीं हो सकती, इसलिए हम ये एंजॉय करते हैं। तब तक आप टाइम लैप्स एंजॉय कीजिए, बाय बाय। एरिया का जो आर्मी कैंटोनमेंट है वो मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसा है, तो वो देखो आप एक बार। तो चलो गाइस आज का व्लॉग फिर यहीं तक था, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आज के व्लॉग को बेहतरीन बनाने की, और इससे भी ज़्यादा बेहतरीन बनाएंगे हम, ये हमारा वादा है। बस अभी जैसे ही धीरे धीरे हम व्लॉग्स को अपलोड करते रहेंगे, हमें एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कैसे क्या होता है, कैसे चीज़ें काम करती हैं। तो अभी तो आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए, बस आप लोग जितना हो सके उतना लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। तो बस मिलेंगे फिर आपसे ऐसी धमाकेदार दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, बाय बाय।